अभी साउंड पर वहां पर एक भैया बैठे हैं, ध्यान से देखिए उनकी तरफ, उनका नाम पवन भाई है। मैं गाजियाबाद आया था अभी कुछ दिन पहले, कितनों को पता है क्या तारीख थी? 26 जनवरी। आपको पता है उस दिन एक छोटा सा कुछ करंट के कारण है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू हुआ था, उसमें जिनको शॉक लगा था वो हमारे पवन भैया थे। उस दिन के बाद मैं आज उनसे मिल रहा हूं। एक कलाकार का फर्ज सिर्फ ये नहीं होता है कि हाय हेलो कैसे हो जय श्री श्याम, नहीं, अगर अपने तकलीफ में होते हैं तो कलाकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हर भगत को खड़े होना चाहिए। आज के कीर्तन में जो राशि मैं कमाऊंगा, जो मैं यहां से लेकर जाऊंगा, मेरा मेहनताना, उसमें से 1 लाख की राशि हमारे पवन भैया के घर जाएगी। और हिंदुस्तान में अगर कभी किसी कलाकार या किसी हमारे इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई भजन गायक हो, कभी किसी को तकलीफ हो तो राज बारिक 24x7 365 डेज उसके साथ खड़ा है।